अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं एचएम शुएब। आप देख रहे हैं बी अ बिलियनियर। मैं आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपके लिए पूरी एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रूल्स, रेगुलेशंस, कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे, अकाउंट ओपनिंग से लेकर एक बिलियनियर बनने तक। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब योर ओन चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें किसी भी किस्म की कोई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, एक रिक्वायरमेंट है आपके अंदर जोश जज्बे की, जो कि इंसान में होना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक रूल बताता चलूँ, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। आप अपने सारे अंडे कभी भी एक बास्केट में ना रखें। मींस अगर आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक ही कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। आप 10,000 को 5 डिफरेंट कंपनीज में 2,000 करके इन्वेस्ट करें, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहे। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है, वो है क्या, आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। अब अवैस नाम एक लड़का, उसकी कंपनी है, उसकी कंपनी बहुत ही प्रॉफिट में जा रही है। वो उसमें इनोवेशंस लाना चाहता है, उसको वाइड करना चाहता है, अपनी सेल्स, अपनी प्रॉफिट्स इंक्रीज करना चाहता है। तो वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी कंपनी को पब्लिकली लिस्ट करेगा, जिसको हम IPO मेन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इससे जो आम लोग हैं, आप जैसे मेरे जैसे, हम लोग उसकी कंपनी के शेयर्स खरीदें और उन शेयर्स के जो पैसे हैं उससे अवैस जिसकी कंपनी है वो इनोवेशंस लाएगा, वो न्यू प्लांट्स, जैसे भी वो इसको इम्प्रूव करेगा अपनी कंपनी को, उसकी सेल्स प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगी। उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज होने की वजह से हमें दो टाइप्स के प्रॉफिट्स मिलेंगे। अब वो दो टाइप्स के प्रॉफिट्स जो हमें रिसीव होंगे, फर्स्ट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन वो प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल आपने एक शेयर अवैस की कंपनी का लिया 100 रुपये का, हफ्ते बाद महीने बाद वो शेयर हो गया 110 रुपये का। अब शेयर आपने लिया था 100 का, 110 का हो गया, मतलब 10 रुपये इंक्रीज हुआ, वो जो प्रॉफिट है वो कैपिटल गेन है। अब दूसरी टाइप का जो प्रॉफिट है वो है डिविडेंड, जो कि कंपनी खुद से पे करती है। अब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसको प्रॉफिट अच्छा होगा, अब वो चाहती है कि इन्वेस्टर्स जो हैं उनको भी खुश किया जाए, तो वो आपके लिए एक प्रॉफिट अनाउंस करती है, एक बोनस समझ रहे। वो आपको 100 रुपये के पीछे 5 रुपये अनाउंस कर देंगे। वो जो आपको मिलेंगे, जो कंपनी की तरफ से प्रॉफिट होगा, वो डिविडेंड होगा। अब वर्ल्ड वाइड कंपनीज है लाइक अमेजोन, गूगल, फेसबुक, ये डिविडेंड्स अनाउंस नहीं करती। इनका मानना ये है कि वो डिविडेंड के बजाय अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा मुनाफा दे सकती हैं कैपिटल गेन के थ्रू। अब वो कैसे, कि वो जो डिविडेंड अनाउंस करती हैं उसी को ही कंपनी में री इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनके शेयर्स की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो उन्हें डिविडेंड के निस्बत कैपिटल गेन ज़्यादा मिलता है। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिस्क कितना है, अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो कंडीशंस के लिहाज से, कंट्री कंडीशंस, वर्ल्ड वाइड कंडीशंस के लिहाज से आपके शेयर्स की, कंपनीज की प्राइस ऊपर नीचे जाएगी, तो वो उसमें रिस्क है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचें तो पिछले 30 साल को देखें आप अगर, तो उसमें लॉन्ग टर्म हमेशा बेनिफिशियल ही रही है, तो बेनिफिशियल ही रहती है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, वो बेनिफिशियल रहेगी। अब लोग कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बेसिक्स सीख के इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनीज की बेसिक को भी देखकर आप आइडिया कर सकते हैं कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, वो ये अच्छा परफॉर्म करेगी या बुरा। अब हमें ज़रूरत है अकाउंट खुलवाने की। आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए दो टाइप्स के अकाउंट की ज़रूरत होगी, फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकेंड CDC सब अकाउंट। फर्स्ट जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपका आपके ब्रोकर के साथ ओपन होगा, जो कि आपको डायरेक्टली लिंक करेगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ, जिससे आप शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। सेकंड CDC सब अकाउंट, जो CDC कंपनी के साथ, मीन सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के साथ ओपन होगा, जिसमें आपके शेयर्स पड़े रहेंगे। अब ट्रस्टेड ब्रोकर्स जो हैं, IFBB लिमिटेड, AKD ट्रेड, BMA कैपिटल, आप इनके साथ अपने अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।